हेलो दोस्तों, ये गाड़ी है मैजिक एक्सप्रेस BS6। और इस गाड़ी में जो समस्या है वो थोड़ी अलग है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी मैं गाड़ी को स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, और जैसे ही मैं गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ तो इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में ये ड्राइवर साइड का जो इंडिकेटर है वो कंटिन्यूस ऑन हो जाता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी मैं गाड़ी को एक्सीलेट कर रहा हूँ तो गाड़ी एक्सीलेट भी हो रही है। ओके, लेकिन समस्या यही नहीं है, समस्या और भी हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी ये गाड़ी स्टार्ट है। अब मैं क्या करता हूँ, इस गाड़ी में रिवर्स गियर लगाता हूँ और गाड़ी बंद। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जैसे ही रिवर्स गियर लगता है और ये गाड़ी तुरंत की तुरंत बंद हो जाती है। ओके, और अभी मैं इसका एक जो चाबी है उसको निकाल लेता हूँ बाहर, और फिर भी इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में लाइट कंटिन्यूस बनी रहती है। काफ़ी देर बाद लाइट बंद होती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, अब जाके लाइट बंद हुई है। तो इसमें जो समस्या थी दोस्तों, जब हम गाड़ी को स्टार्ट कर रहे थे तो गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में ड्राइवर साइड के इंडिकेटर की लैंप कंटिन्यूस ऑन हो रही थी। ओके, और जैसे ही हम रिवर्स गियर लगाते थे तो गाड़ी बंद हो जाती थी। तो जब हमने उसकी बैक लाइट की वायरिंग को चेक किया और उसके जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है बैक लाइट के ड्राइवर साइड के, उसको हटा के स्टार्ट करके देखा तो भी गाड़ी की प्रॉब्लम सेम की सेम थी। तो फिर हमने उसके जो रियर साइड से वायरिंग को चेक किया तो हमें जो प्रॉब्लम पाई थी वो कुछ इस तरह से थी। गाड़ी के रियर साइड में जो अर्थिंग पॉइंट होता है, जो कि चेसिस पे लगा होता है, वो बिल्कुल हमें लूज़ पाया था। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये ग्राउंड पॉइंट है और इसका ये वोल्ट है वो खुल गया है, आधा कसा हुआ है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो अभी हम इसको फुल्ली टाइट करेंगे और फिर गाड़ी को स्टार्ट करके चेक करेंगे कि गाड़ी की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती है या नहीं होती, एसी से है या किसी और वजह से गाड़ी में प्रॉब्लम हो रही है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी मैंने गाड़ी की इग्निशन को ऑन कर दिया है और अभी मैं गाड़ी को स्टार्ट कर रहा हूँ। ये क्लच प्रेस किया, गाड़ी न्यूट्रल पोजीशन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पहले गाड़ी को स्टार्ट करने पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में ड्राइवर साइड का इंडिकेटर ऑन हो रहा था, वो अभी नहीं हो रहा है। तो अभी हम इसमें रिवर्स गियर लगा के देखते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी मैंने ये रिवर्स गियर लगा दिया है और गाड़ी फिर भी अभी भी स्टार्ट है। और पहले यहाँ R वाला सिंबल जो होता है रिवर्स वाला, वो क्लस्टर में पहले शो नहीं कर रहा था। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी ये गाड़ी बिल्कुल सही है। इसमें जो प्रॉब्लम थी वो ग्राउंड पॉइंट की ही थी। अभी मैं फिर से रिवर्स गियर लगाता हूँ। आशा करता हूँ दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।